At last, finally, I'm so happy that DC Cinematic Universe is improving day by day, evolving day by day. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। लास्ट डीसी की जो फिल्म देखी थी मैंने, वो देखी थी दोस्तों एक्वामैन। एक्वामैन के दौरान मुझे लगा था कि यार शज़ैम में क्या होगा। जब इसका टीजर आया था, बहुत ज़्यादा फनी था, हिलेरियस था। लास्ट ईयर मुझे याद है कि नियर अबाउट जून जुलाई आया था, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि चलिए एक लाइट टोन सुपर हीरो आ रहा है जिसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड जिस तरीके से जैकरी लिवाई की एक्टिंग नज़र आ रही थी, जिस तरीके से वो फनी टोन नज़र आता, सो फॉर दैट आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। ट्रेलर आता है, मैं खुश हो जाता हूँ, एंड फिल्म आती है, उसे देखकर तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। बट फिल्म में एक छोटी सी जो कमी मुझे लगती है, वो मैं आपको रिव्यू में लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलाडेल्फिया की कहानी है। रहता है बिली बैटसन, एक ऑर्फनेज बॉय जिसको अपनी मम्मी को ढूंढना है, जो कि एक मेले में गुम गई है। ठीक है, अब ऐसे में वो फॉस्टर किड, एक फॉस्टर होम आता है, फॉस्टर होम में उसकी फैमिली बढ़ती है। ये सब चीजें आपने कॉमिक्स में पढ़ी होंगी, लेकिन जब आप देखते हैं ना, आपको अपना नॉस्टैल्जिक दिन याद आ जाते हैं कि यार क्या मतलब, जो हमने पढ़ा था वो आप सामने देख रहे हैं। रॉक ऑफ एटर्निटी को देख रहे हैं, सेवन डेडली सिंस को देख रहे हैं आप, मैजिशियन को देख रहे हैं, विजार्ड को देख रहे हैं, विजार्डरी वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। और इट्स मोर लाइक हैरी पॉटर, जब आप हैरी पॉटर को देखते थे तो आपको वो विजार्डिंग वर्ल्ड बहुत पसंद आता था। आई एम श्योर शज़ैम का ये जो विजार्डिंग वर्ल्ड है, ये भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। फिल्म के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बिली बैटसन की ये जो कहानी है, ये हम सबको पता है किस तरीके से वो शज़ैम बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन ये वो बहुत अच्छी तरीके से मिस्टर डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग ने दिखाया है। डेविड साहब की अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो पास के क्रिएशन उनके जो है वो है एनिमल क्रिएशन, जो कि हॉरर फिल्म थी। उससे पहले आई थी लाइट्स आउट, जिसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। दोनों फिल्मों के कंपेयर में, वो दोनों हॉरर फिल्म थी, हॉरर जॉनरा की फिल्म थी, ये एक लाइट टोन सुपर हीरो फिल्म है, जिसके लिए डेविड सर ने बहुत अच्छी राइटिंग करी है। फिल्म की अगर मैं राइटिंग की बात करूं दोस्तों, तो राइटिंग लाइट हार्टेड है। राइटिंग में जिस तरीके के डायलॉग्स है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, पॉप कल्चर के रेफरेंसेस है, आपको मजा आ जाएगा। फिल्म के अंदर दोस्तों जो एक चीज की मुझे कमी लगती है कि यार डीसी जैसे इतने बड़े कॉमिक वेंचर के साथ और इतना बड़ा जो स्टूडियो बैकअप है उनके पास, इसके बावजूद फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स जो है VFX, वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पाते। पता नहीं क्यों, मैं क्योंकि लास्ट मैंने देखी थी ये एक्वामैन देखी थी, उससे पहले वंडर वुमन में भी अच्छे थे, इनफैक्ट जस्टिस लीग में तक अच्छे थे VFX कहीं ना कहीं। तो इसके VFX के कंपेयर में और प्लस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाते हैं जब हम एक्वामैन जैसी फिल्म देखते हैं, उसके कंपेयर में इसमें बहुत ही कम दर्जे के स्पेशल इफेक्ट थे, जो कि मैं हैरान हो गया था देख के कि यार ये शज़ैम में इतने कम क्यों है। खैर लेकिन कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल स्टोरी है तो इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि खर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टोरी वाइज इंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है, एंड जो कॉमिक पंचेस आते हैं वो हिलेरियस है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। ओके, बाय द वे इसमें एक सीन है जो कि ट्रेलर में भी है, ज्यादा मैं प्लॉट रिवील नहीं करूंगा। सो उसमें जब वो वाइन शॉप से बाहर निकल रहे होते हैं तो बोलता है हे स्टॉप, I'm a सुपर हीरो, ऐसा करके जब वो बोलता है ना, वो इतना फनी लगता है ना। फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको और भी ज्यादा फनी लगेगा। कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो एज यूजुअल जैकरी लिवाई is just amazing. He's just the actual superhero we want in DC. DC के ज्यादातर superhero थोड़ा सा poker face रहते हैं और where is it, मतलब something like that होता है, ज्यादा comic tone नहीं होता है। Last हमने इसी में ही देखा था दोस्तों, थोड़ा बहुत Aquaman में देखा था और थोड़ा बहुत हमने Flash का character देखा था जो कि comedy लाता था। लेकिन इसके अंदर Shazam जो comedy ला रहा है वो बच्चों की comedy है। मतलब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये adult comedy हो सकती है just like Deadpool, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए ये फिल्म जस्ट बेस्ट है, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, इस फिल्म को आराम से एंथुजियास्टिकली आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। शज़ैम की बातें और भी मैं जानना बताना चाहता हूं दोस्तों, कि शज़ैम के कैरेक्टर को सबसे पहले ड्वेन जॉनसन को ऑफर किया गया था, लेकिन ड्वेन जॉनसन को एक और ब्लैक एडम भी ऑफर किया गया है, जो कि सुपरमैन और शज़ैम का दुश्मन है। आप आगे देखेंगे ब्लैक एडम की सोलो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फिल्म आने वाली है, सो वेट फॉर दैट, वो मजा आ जाएगा आपको देख के। सो इसके लिए फिर जैकरी लिवाई को ऑफर किया गया, एंड फाइनली उन्होंने कैरेक्टर जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, मजा आ जाता है।
फिल्म के जो विलन बने हैं वो है मार्क स्ट्रॉन्ग. मार्क ने फिल्म के जो एक जो इविल विलन है, जो इविल कैरेक्टर है जिसे शक्तियां चाहिए, उसे बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया है. वहीं जो डेडली सिंस आते हैं ना दोस्तों, 7 सिंस, उनको देखकर हालत खराब हो जाती है. बहुत ही भयंकर बनाया है, ऐसे अलग अलग मुंह और अलग अलग जीभ और बहुत ही अलग सा कैरेक्टर बनाए हैं वो, तो उनको देखकर भी बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा. बट थोड़ा सा VFX जो मैंने बोला कि कमी लगी मुझे, तो यस फिल्म में VFX की कमी लगती है. हाँ, स्टार्स की बात करेंगे आप तो फिल्म में मैं पूरी फिल्म को मैं 4 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि आई एम तो हाईली इम्प्रेस्ड. बस 1 स्टार मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे VFX पसंद नहीं आए. व्हाट अबाउट यू, व्हाट इज योर रिएक्शन? आप लोगों ने देखी कि नहीं शज़ाम? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. बने रहो मेरे साथ, मैं राहुल घोष आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग रिव्यूज लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में. बाय द वे, अच्छी फिल्म है, जाके देख लो, पैसे वेस्ट नहीं होंगे और इस हफ्ते तो वैसे भी फिल्मों का अभाव है, सो बेटर है कि जाके देख लो आप. शज़ाम हिंदी में भी रिलीज हुई है.